गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न योर चैप्टर 2, यूनियन इज स्ट्रेंथ. एकता में बल. यूनियन इज स्ट्रेंथ मीन्स एकता में बल. लेट्स रीड. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है. A man lived in a village with his 3 sons. एक आदमी village means गांव, गांव में रहता था. With his 3 sons मतलब अपने 3 बेटों के साथ. All 3 of them were good. वो तीनों ही अच्छे थे. Hard working fellows, मेहनती थे. The old man had no complaint with them except that they quarreled with one another all the time. The old man had no complaint, उसे कोई शिकायत नहीं थी with them उनके साथ except एक चीज को छोड़कर that they quarreled कि वो लड़ते रहते थे with one another एक दूसरे से all the time सारे time. ठीक है, वो एक दूसरे से सारा time लड़ते रहते थे. They quarreled for every single reason. वो एक दूसरे से हर छोटी छोटी बात के लिए लड़ते थे, big और small. ठीक है, चाहे बड़ी हो चाहे small हो, हर बात के लिए वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे. The poor old man always told them to stop quarreling with one another. वो बेचारा गरीब वो बूढ़ा आदमी उनसे हमेशा कहता था, always में हमेशा कहता था कि लड़ो मत एक दूसरे से. And to stay united, और एक रहो, एकत्र होकर रहो, मिलकर रहो. But all his efforts, लेकिन उसकी सारी कोशिशें फेल हो गई थी. He got so worried, अब उसको बहुत चिंता होने लगी. My son quarrel all the time even in front of my eyes. मेरे बेटे, माई सन मीन्स मेरे बेटे, क्वार लड़ते रहते हैं सारा टाइम मेरे ही सामने, मेरी आंखों के सामने. वट विल दे डू आफ्टर आई डाई, मेरे मरने के बाद ये क्या करेंगे. आई हैव टू डू समथिंग अबाउट देयर क्वार्स, मुझे इनकी लड़ाई के लिए, इनके झगड़े के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. ही कंटिन्यू थिंकिंग, वो लगातार यही सोचता रहता था. नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही कॉल्ड हिज 3 सन्स, उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया. ही गेव अ बंडल ऑफ स्टिक्स टू हिज एल्डर सन, उसने एक स्टिक्स का, लकड़ियों का बंडल अपने बड़े बेटे को, एल्डर सन मीन्स बड़े बेटे को दिया. कम ऑन लेट मी सी इफ यू कैन ब्रेक इट और नॉट, आओ मुझे देखो, दिखाओ कि तुम इसको तोड़ सकते हो या नहीं तोड़ सकते. द एल्डर सन ट्राई बट कुडंट ब्रेक द स्टिक्स, एल्डर सन ने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसको नहीं तोड़ सका बंडल को. देन ही टर्न टू हिज सेकेंड सन, अब वो अपने दूसरे बेटे के पास गया. नाउ इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है, सेड द ओल्ड मैन टू हिज सेकेंड सन, बूढ़े आदमी ने अपने दूसरे बेटे से कहा. ब्रेक इट, इसको तोड़ो. द सेकेंड सन ट्राइड विद ऑल हिज स्ट्रेंथ टू ब्रेक द बंडल बट ही ट्राई फेल टू. सेकेंड बेटे ने भी पूरी अपनी स्ट्रेंथ मतलब ताकत से कोशिश की, लेकिन वो भी क्या हुआ, उसको फेल हो गया बंडल को, वो नहीं तोड़ पाया. कैन यू ब्रेक दिस स्टिक माई सन, क्या तुम इस स्टिक्स को तोड़ सकते हो. आज द फादर टू हिज यंगेस्ट सन, अपने सबसे छोटे बेटे से बोला, क्या तुम इसको तोड़ सकते हो. द यंग मैन ट्राइड वेरी हार्ड, वो छोटे वाले लड़के ने बहुत कोशिश की, पूरी मेहनत दिखाई, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो सफल नहीं हो सका. नाउ द ओल्ड मैन टुक बैक द बंडल ऑफ स्टिक्स एंड सेपरेटेड द स्टिक्स एंड गेव वन स्टिक ईच टू हिज सन्स. अब क्या करा बूढ़े आदमी ने, वो बंडल वापस लिया स्टिक्स का. सेपरेटेड मतलब अलग किया स्टिक्स को, और गेव और उसने अब दे दी वन स्टिक, एक एक स्टिक अपने तीनों बेटों को दे दी. एंड टोल देम टू ब्रेक इट, और उन्हें कहा कि अब इसको तोड़ो. द 3 ब्रदर्स वेरी इजिली ब्रोक द स्टिक्स, तीनों ने बहुत आसानी से उस लकड़ी को तोड़ दिया. लिसन माई बॉयज, सुनो मेरे बेटो, सेड द ओल्ड मैन टू हिज सन्स, ओल्ड मैन ने अपने बेटों से कहा. यू बिकेम एज वीक एज अ सिंगल स्टिक्स, तुम भी इसी तरह से सिंगल स्टिक की तरह, अकेले स्टिक की तरह कमजोर हो जाओगे. वैन यू आर डिवाइडेड, अगर तुम अलग हो गए तो, बट वैन यू आर यूनाइटेड, लेकिन अगर तुम एक साथ रहे, इकट्ठे रहे, यू आर एज स्ट्रांग एज अ बंडल ऑफ
स्टिक्स, तुम भी बंडल ऑफ स्टिक्स की तरह, बंडल की तरह एक हो रहोगे तो तुम भी क्या हो रहोगे, मजबूत होगे, ताकतवर होगे। सो इफ़ यू वांट टू बी स्ट्रांग एंड पावरफुल, अगर तुम भी स्ट्रांग और पावरफुल होना चाहते हो, डू नॉट क्वारल विद वन अनदर, एक दूसरे से बिल्कुल मत लड़ो, एंड स्टे यूनाइटेड, और इकट्ठे रहो, एक होकर रहो। द थ्री यंग मैन हैड नाउ लर्न अ बिग लेसन ऑफ लाइफ, अब तीनों उन यंग आदमियों ने, जो जवान लड़के थे, उन्होंने अपने ज़िंदगी का लेसन सीख लिया था, सबक सीख लिया था। दे प्रोमिस देयर फादर, उन्होंने अपने पापा को प्रोमिस किया, वादा किया, दैट दे वुड नॉट क्वारल अगेन, कि वो कभी नहीं लड़ेंगे, एंड वुड मेंटेन देयर यूनिटी, और अपनी यूनिटी को, अपनी एकता को इसी तरह मेंटेन रखेंगे, एक होकर रहेंगे एज ब्रदर इन देयर अपकमिंग लाइफ, भविष्य में वो इसी तरह एक होकर रहेंगे। ठीक है बेटा, सो इट्स द स्टोरी ऑफ यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, और इसके न्यू वर्ड्स अपनी कॉपी पे कीजिएगा। ओके एंड बाय।